हेलो एवरीवन, आज है 3 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कैसे बेहतरीन स्टॉक के बारे में, जो इतनी बड़ी गिरावट आने के बाद भी अभी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा जान बाकी है। और तो और इसने इसके जो नतीजे आए हैं वो काफ़ी बढ़िया आए हैं, बेटर आए हैं, तो आने वाले दिनों में इसमें बढ़िया आपको ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो वीडियो शुरू करूं और उसका नाम बताऊं उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर नाम आपके सामने आ चुका है, नाम है इसका ITC। देखिए, सिगरेट एंड टोबैको की बनाने वाली कंपनी है, लेकिन इसके अलावा और भी ज़्यादा चीज़ें और प्रोडक्ट है जो ये बनाती है। SMCG सेक्टर भी है इसका। अब देखिए, 265 रुपये के करीब का इसका शेयर ट्रेड करा है, लास्ट दिन भी उसमें 3 रुपये की हल्की सी गिरावट जरूर देखने को मिली है। और हाल फिलहाल में इसके नतीजे भी आए हैं और नतीजे उतने बुरे नहीं हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पर उसका डेटा दिखाने की कोशिश करूँ, तो पिछले एक हफ्ते में ITC के शेयर्स में हालांकि 2.11% की गिरावट है। एक महीने की बात करें तो एक महीने में उसमें सिर्फ 3.34% की गिरावट है। इस बीच काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिली है। और अगर हम एक साल की बात करेंगे तो एक साल में इसके शेयर्स में 11-11.5% की गिरावट है। लेकिन आप देखिए कि 264 रुपये तक का लो है और 319 रुपये तक का हाई है। लेकिन हाल फिलहाल इसीलिए जिस प्राइस पे ये अब तक का लो आप इसको कह सकते हैं और जिस प्राइस पर ये ट्रेड कर रहा है वो इसका बढ़िया सपोर्ट माना जा रहा है, बढ़िया सपोर्ट माना जा रहा है। देखिए, 265 रुपये के आसपास ये शेयर ट्रेड हुआ करता था पिछले साल की 10वें महीने में। उसके बाद अगेन 260-265 रुपये का पर ऊपर ये ट्रेड करता था पिछले साल दिसंबर महीने में। अगेन इसने उसी प्राइस से बाउंस बैक किया है। तो देखिए, एक बढ़िया सपोर्ट 264-265 रुपये के करीब इसका माना जा रहा है और इसके बाद बाउंस बैक, एक बड़ी रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें। और 320 रुपये के करीब का हाई भी यहाँ पर बना है। 3 साल की अगर हम बात करें तो पिछले 3 साल में ITC के शेयर में हालांकि सिर्फ 1.69% का ही ग्रोथ है, लेकिन प्राइस चार्ट आप देखिए, इसका लो और हाई अगर आप पकड़ के चलेंगे तो आपको बढ़िया प्रॉफिट मिलने की संभावना है। 223 रुपये तक का लो है और 340 रुपये तक का हाई भी यहाँ पर देखने को मिला है। 10 साल की अगर हम बात करेंगे तो पिछले 10 साल में ITC के शेयर में ऑलमोस्ट 217% का ग्रोथ है। 73 रुपीज तक का लो है और 342 रुपीज तक का हाई है। चार्ट बढ़िया है, देखिए ऊपर ही ऊपर उठता हुआ चार्ट है इसका, ऊपर ही ऊपर जाता हुआ चार्ट है इसका। मतलब आप एटलीस्ट ये है कि अगर गिरावट आ रही है तो इसको ये वापस से रिकवर करके बढ़िया बाउंस बैक कर लेता है। लार्ज कैप स्टॉक है इसका, 3,25,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। NSE में देखेंगे तो 88 लैक्स के अराउंड का वॉल्यूम ट्रेड है। जो नतीजे आए हैं वो उतने अच्छे नहीं है, लेकिन उतने बुरे भी नहीं है। मैं इसको एवरेज नतीजे जरूर कहूंगा इसको। अगर हम जून की बात करें तो जून में इनका जो नेट सेल है वो 11,361 करोड़ रुपये का हुआ है, जबकि मार्च 2019 में ये 12,000 करोड़ रुपये तक पहुंचा था। मतलब पिछले क्वार्टर के मुकाबले 5.83% की गिरावट है, लेकिन पिछले साल की बात करेंगे तो ग्रोथ बढ़िया है। पिछले साल 10,722 करोड़ का नेट सेल था। सेम चीज अगर हम नेट प्रॉफिट में यहाँ पर देखने जाएंगे तो नेट प्रॉफिट 375 करोड़ के आसपास का है, सॉरी 3,175 करोड़ के आसपास का है। तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले एक बड़ी गिरावट है, तकरीबन 8.5-9% की ये गिरावट है, क्योंकि पिछले क्वार्टर मार्च 2019 में ये 3,480 करोड़ का नेट प्रॉफिट था इनका, लेकिन पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो 2,818 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। मतलब पिछले साल के कंपेयर में बढ़िया है। अच्छी चीज़ यहाँ पर यह है कि इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट मार्जिन 39.69 का है इस बार जून 2019 का, जबकि मार्च 2019 में प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 37.45 था। तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी इंक्रीज हुआ है, पिछले साल के मुकाबले भी प्रॉफिट मार्जिन इनका इंक्रीज हुआ है। FIIs की होल्डिंग 16.75 है, म्यूचुअल फंड की 8.64, इंश्योरेंस कंपनी की 21.68, नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास 44.85% की होल्डिंग है और अदर DS के पास 8.08% की होल्डिंग है। आप देखिए, 424 म्यूचुअल फंड इसमें इन्वेस्टेड है, 1,098 FIIs ने अपना पैसा लगाया है, हाईएस्ट प्रमोटर होल्डिंग नन है। लेकिन हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करेंगे तो टोबैको मैन्युफैक्चर लिमिटेड, जिनके पास 24.34% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 9.46% है। यहाँ पर डिविडेंड बहुत ही बढ़िया पे कर रहा है,
बहुत ही बढ़िया डिविडेंड ये पे कर रहा है, 575% का डिविडेंड पे कर रहा है, मतलब पर शेयर आपको 5 रुपए 75 पैसे यहाँ पर मिल रहे हैं। तो बढ़िया डिविडेंड, मैं इसको जरूर मानूंगा कि काफी अच्छा डिविडेंड ये शेयर आपको पे कर रहा है। अगर इसके बारे में बात करूं, अगर मैं मनी कंट्रोल में जा रहा हूँ, तो देखिए 82% बाइंग रिकमेंडेशन, 15% सेलिंग है, 3% होल्ड रिकमेंडेशन देखने को मिली है। और तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे फाइनेंशियल्स को लेकर, तो देखिए इनके ऊपर कर्जा ना के बराबर है, 8 करोड़ से भी कम का कर्जा इनके ऊपर है। तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया साइन है यहाँ पर कि कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है। टोटल असेट्स 58,000 करोड़ के टोटल असेट्स हैं इनके पास। म्यूचुअल फंड की बात करें तो करोड़ों में म्यूचुअल फंड ने अपना पैसा लगाया है, करोड़ों में म्यूचुअल फंड यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। 10 करोड़ और 4 करोड़, 3.5 करोड़, 3 करोड़ के शेयर्स म्यूचुअल फंड ने खरीदे हैं, चाहे वो SBI हो, HDFC हो या ICICI हो। तो म्यूचुअल फंड की एक बड़ी हिस्सेदारी इसमें जरूर है। लेकिन जो इसके नतीजे आए हैं वो उतने अच्छे भी नहीं है, उतने बुरे भी नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा शेयर है जिस पर आप गिरते हुए मार्केट में अच्छा खासा आप भरोसा कर सकते हो कि एटलीस्ट इसमें उतनी बड़ी गिरावट नहीं आएगी जितनी बाकी शेयर्स में आ रही। एक सेफ शेयर में इसको जरूर मानूंगा। तो अगर आपको पैसा लगाना है तो आप छोटी छोटी क्वांटिटी इसमें जरूर खरीद सकते हैं। अच्छा स्टॉक है, आने वाले दिनों में बढ़िया ग्रोथ करेगा। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि ये वो शेयर है जिसमें अप्स एंड डाउन लगी रहेगी। अगर मैं आपको पिछले 3 साल का डेटा दिखाऊं तो वो इसी तरीके से फ्लो करेगा। गिरावट पे खरीदारी जरूर कीजिएगा, और जैसे ही आपको पर शेयर थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल जाए तो बेच कर निकल जाएगा, क्योंकि वापस से ये नीचे जरूर गिरेगा, वापस से ये नीचे इसमें जरूर गिरावट आएगी। तो इसलिए मैं कहूंगा कि इसके लोअर जब भी इसमें गिरावट आए खरीदारी कर लीजिए, जैसे ही आपको पर शेयर 20-25 रुपए का फायदा मिल जाए तो आप बेच के निकल लीजिएगा। बाकी मर्जी आपकी है कि आपको इसमें क्या करना चाहिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और ITC के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।